लखनऊ में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध से उपजे आक्रोश के बीच प्रदेश की योगी सरकार ने दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए ठोस पहल की है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट ने पास्को एक्ट और बलात्कार से संबंधित वादों में शीघ्र निस्तारण के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने की मंजूरी दे दी है। तो यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इन अदालतों में सिर्फ रेप के मामलों की सुनवाई होगी, जिसमें 144 कोर्ट महिलाओं और 74 कोर्ट बच्चों के मामले की सुनवाई करेगी। कैबिनेट ने गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बनाए जाने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बिल्डिंग प्रक्रिया के आधार पर चुने गए विकासकर्ता के चयन पर मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री जी ने सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ाई से कानून का पालन करने के लिए, कड़ाई से पेश आने के लिए निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी तय किया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे वादों की संख्या को देखते हुए और उनको शीघ्र निस्तारण करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट केवल उन मामलों की सुनवाई के लिए बनाए जाएं। इसमें महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनके लिए भी और बच्चों के प्रति जो अपराध हैं उनके लिए भी अलग से कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत हम 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने जा रहे हैं।